संसद के काम के बारे में बेपरवाह है और भारतीय जनता पार्टी संसद के प्रति प्रतिबद्धता भी रखता है और एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाता है। आज इन दोनों विधानों को मैं स्पष्ट भी करूंगा क्योंकि आज ये दोनों सामने आए चित्र। जैसे आपको पता है हमारा बहिष्कार का एक आंदोलन चल रहा है हमारी मांगों के लिए कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री इस्तीफा दें और जेपीसी के अध्यक्ष चाको पर अविश्वास व्यक्त किया है मेंबर्स ने, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो और ये रिपोर्ट खारिज हो। इन मांगों को लेकर हमारा एक आंदोलन ही चल रहा है। ऐसे में वित्तीय कामकाज जो होता है, बजट पेश करने के बाद बजट की प्रक्रिया तब पूरी होती है कि जब फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जनरल एंड रेलवेज, ये चार बिल अभी तक होने बाकी है, वो लोकसभा में सम्मत होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा में पास होने चाहिए और उसके बाद उसकी तकनीकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि बजट रखने के बाद 75 दिन में ये सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार इसके बारे में बिल्कुल ही बेपरवाह थी, इसलिए जो काम 30 अप्रैल को पूरा करना चाहिए था वो उन्होंने 6 मई को रखा था और 10 मई को सत्रावकाश होना था। तो जो काम 30 अप्रैल के पहले करना चाहिए था वो उन्होंने 6 मई को रखा, ये उनके बेपरवाह का एक उदाहरण है। अब कल उनके ध्यान में आया, कैसे लाया, किसने लाया, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये कल ध्यान में आने के बाद सरकार एकदम हरकत में आ गई, हड़बड़ी में आ गई और तुरंत सुषमा जी को उन्होंने संपर्क किया, नेता प्रतिपक्ष को, और उन्होंने कहा कि आज 12 बजे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठते हैं और ये मसला तय करते हैं कि वित्तीय कामकाज पूरा कैसे करें। तब सुषमा जी ने ये कहा कि ये मसला केवल बीजेपी का नहीं है, वित्तीय कामकाज ये सबकी जिम्मेवारी होती है और इसलिए स्पीकर के यहां सर्वदलीय बैठक बुलाओ। और फिर जैसे आपको पता है स्पीकर महोदय के यहां 11:15 बजे सर्वदलीय बैठक हुई और कल ये वित्तीय विधेयिका का काम, यानी फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जनरल एंड रेलवे, ये चारों काम कल पूरे करने का उसमें निर्णय हुआ। और चूंकि हम जिम्मेवार विपक्ष है, क्योंकि ये काम अगर पूरा नहीं होगा तो संवैधानिक संकट पैदा होता है, हम कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई इस सरकार की नीतियों से है, सरकार की अनैतिकता से है, लेकिन देश के आम जनता को संकट में डालने की नहीं है हमारी नीति। और इसलिए कल ये कामकाज होगा लेकिन हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। और कल शुरू में ही सुषमा जी हम बहिष्कार ये क्यों कर रहे हैं इसका भी, यानी संसद में हम बहिर्गमन करेंगे, हमारा नारे नहीं होंगे लेकिन हमारा बहिष्कार ही है ना, उसको क्या कहेंगे, गांधी जी ने तो बहिष्कार का ही आंदोलन किया, असहयोग। लेकिन असहयोग ये है कि सहयोग है उसमें कि वित्तीय बिल पूरे हो कल का दिन। तो कल क्या आप वॉकआउट करेंगे?
बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और आज मैं आपको भी बताता हूं उसका थोड़ा। नहीं करेंगे ना, करेंगे। और ये ऐसा है, ये क्योंकि आंदोलन है सरकार के खिलाफ, सरकार लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार को जो जनादेश मिला है वो लूट का जनादेश नहीं है, देश को लूटने का जनादेश नहीं मिला है। सरकार को जनादेश जो मिला है वो जनता के हितों में काम करने का मिलता है, लेकिन इन्होंने तो ऐसी लूट मचाई, और उस लूट का जो एक बड़ा हिस्सा 2G और कोल घोटाला, तो 2G में इन्होंने पूरी लिपापोती करके अपने सरकार को क्लीन चिट देने का काम किया, तो ऐसी बोगस एक तरह से रिपोर्ट बन गई कि जिसका मेजॉरिटी ने विरोध किया। यहां तक कि चेयरमैन पर भी अविश्वास व्यक्त किया। तो ये 15 मेंबर्स है। और दूसरा जो कोल का घोटाला है, कोयले का घोटाला, उसमें तो खुद प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, तब का घोटाला है, तो यानी प्रधानमंत्री है। अच्छा, ये जो CBI इंक्वायरी हो रही है वो हमारे शिकायत पर हो रही है। हमने दरवाजा खटखटाया पहले सदन में कि CBI की जांच करो, उन्होंने मना किया। फिर हम CVC का दरवाजा खटखटाए तो CVC ने ये आदेश दिया CBI को कि जांच करो। अब अधिकार में CVC इस CBI रिपोर्ट को देख सकती थी, लेकिन CVC ने इस रिपोर्ट को नहीं देखा। लेकिन जिन पर आरोप है, क्योंकि घोटाला तो कोल मंत्रालय में हुआ है, घोटाले का सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1700 करोड़ टन का कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को बांटा, जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ है, और यह मुफ्त में बांटा। बिजली सस्ती देने का उसमें कंडीशन नहीं है, वो होती तो भी चलता, या नीलामी भी नहीं है। तो इतना बड़ा भंडार मुफ्त में देंगे? कांग्रेस के राज में राशन कार्ड भी मुफ्त में नहीं मिलता, तो इतनी बड़ी चीजें मुफ्त में कैसे मिलेगी? तो वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और इसलिए हमने जब शिकायत की, CBI ने उसकी जांच की, उसमें से बहुत सारे सही पाए। अब किसको कौन सा ब्लॉक क्यों दिया, ये कारण ही नहीं है। देयर हैज टू बी ए ड्यू डिलीजेंस, देयर हैज टू बी एन अप्राइजल। तो अप्राइजल नहीं है, ड्यू डिलीजेंस नहीं है, किसको नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, उसका कारण नहीं लिखा है कहीं भी, मिनट से नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, 3 साल में इतने ब्लॉक बांटे कि मिनट्स लिखने को भी फुर्सत नहीं मिली। तो मिनट्स में केवल इतना लिखा है कि यह मीटिंग हुई और इसमें यह ब्लॉक बांटने का निर्णय हो गया, बस इनको यह ब्लॉक इनको मिलेगा। घोटाला यही है ना, कि कारण भी नहीं लिखे, क्यों दिए और क्यों नहीं दिए। तो ये जो है घोटाला हुआ कोयला मंत्रालय का, सरकार का और प्रधानमंत्री कार्यालय, क्योंकि प्रधानमंत्री थे कोयला मंत्री, यानी कांग्रेस क्या क्या करवाती है, प्रधानमंत्री से ये सारे सिग्नेचर करवाए। देखो, ये सारे कोल के खदान के आवंटन पर सिग्नेचर प्रधानमंत्री के करवाए, दूसरा किसी को नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये काम उन्होंने किया, और ये भ्रष्टाचार का हमने उजागर किया। तो उसको, उसकी जांच को एक कवरअप के ऑपरेशन में उन्होंने जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। उच्चतम न्यायालय ने कहने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने 12 तारीख को कहा था कि ये किसी को मत दिखाओ, लेकिन 8 तारीख को ही इन्होंने मीटिंग ली थी, ये वहां सरकारी वकील ने भी नहीं बताया जो खुद थे उस बैठक में।
इनको पता ही नहीं था कि बैठक की न्यूज बाहर कैसे आएगी, उनको लगा हमेशा जैसा होगा, लेकिन नहीं, कहीं तो सच्चाई बाहर आती है, तो वैसे बाहर आ गई। और इसलिए ये जो छेड़छाड़ की है सीबीआई की रिपोर्ट के साथ, उसमें जो दखलअंदाजी की है, ये अपने पाप को और भ्रष्टाचार को छुपाने की एक घिनौनी कोशिश है। और इसलिए हमारी लड़ाई है और मांग है कि कानून मंत्री ने तो सारी मर्यादा पार कर दी है और प्रधानमंत्री के ही हस्ताक्षर से ये सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसलिए प्रधानमंत्री और कानून मंत्री इस्तीफा दे और जेपीसी की रिपोर्ट खारिज करे, क्योंकि दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्यूमेंटल करप्शन एंड मैसिव कवर अप, वी आर अपोजिंग बोथ। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जनादेश इसलिए नहीं मिला था कवर अप के लिए, जनादेश इसलिए नहीं मिला था करप्शन के लिए, लूट के लिए, और इसलिए ये लूट और कवर अप, इसके खिलाफ जो संसद में हम नारे लगा रहे हैं या बहिष्कार आंदोलन कर रहे हैं, उसका कारण ये है। और इसलिए मेरा समाप्त हो रहा है, और इसलिए हमारी मांगे कायम है। कल के वित्तीय कामकाज होने के पहले सुषमा जी हमारी और भी जो भूमिका है इसके बारे में वो सब स्पष्ट करेगी, लेकिन ये लड़ाई अब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई अब भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, ये कवर अप के खिलाफ की लड़ाई है, ये इमरजेंसी माइंडसेट के खिलाफ की लड़ाई है, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के उन्हीं तत्वों को लेकर आगे चलने वाला आंदोलन है ये। और इसलिए इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे, लेकिन कल ये विधायी कामकाज जो है आर्थिक का, क्योंकि हम एक जिम्मेवार विपक्ष है तो वो होने देंगे, लेकिन हमारा बाकी आंदोलन जारी रहेगा। प्रकाश जी।